मेरे प्रियो, ईशु के नाम से नमस्कार करता हूँ। साल के अंतिम दिन में हम चले आए ना, और जो है नया साल में प्रवेश करने वाले हैं। इस साल भर परमेश्वर ने जो अगुवाई किया उसको स्मरण करके देखे, एक बाइबल के वचन को देखेंगे। पहला इतिहास 16 अध्याय का 12 वचन में देखेंगे, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। साल के अंतिम में आए ना, हमें स्मरण करना चाहिए। साल का शुरुआत से अभी तक परमेश्वर के किए हुए कार्य को स्मरण करना है। हमें क्या स्मरण करना है? जो परमेश्वर अद्भुत काम किया है और चमत्कार किया है, उसे स्मरण करने की जरूरत है। परमेश्वर ने मुझको चमत्कार किया है और मेरे प्रार्थना को सुना है, अद्भुत चमत्कार को किया है, वचन की वादा को मेरे जीवन में पूरा किया है, उसको आपको स्मरण करना है। क्या आज बैठ के इसको स्मरण करेंगे? जो परमेश्वर ने हमारे लिए भलाई किया है, उसकी वचन की प्रतिज्ञा को पूरा किया है। जब परमेश्वर की चमत्कार प्रतिज्ञा का जब स्मरण करेंगे, तब हमारा दिल में धन्यवाद की जो उमंग होती है, तब प्रभु का हम स्तुति करते हैं। हे प्रभु, तेरे भलाई के लिए धन्यवाद कहना है, और ऐसे कहकर और उसके न्याय के वचन के लिए प्रभु को स्तुति करना है। इस साल में हमारी कमियों को परमेश्वर ने बताया है, और बहुत बार हमारे त्रुटि को बता के वो ठीक किया है ना, इसलिए स्तुति करना है। ऐसे स्मरण करके स्तुति करने से इसके बाद हम कभी गलती को नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर कहता है उसको तुम्हें स्मरण करना है। आज क्या करना है? थोड़ा समय निकाल के बैठना है। नया साल में प्रवेश करने के पहले 1 घंटे समय को निकाल के, एक डायरी को निकाल के, परमेश्वर जो किया हुआ भलाई को उसमें पूरा आपको लिखना है। अभी तक जो भलाई किया, अद्भुत काम किया, जो चमत्कार किया, और जो आपको प्रार्थना को उत्तर मिला, वो सबको लिखिएगा। कितना पेज में लिखना होगा? वैसे ही जो है परमेश्वर हमारे कमी को बता के हमें जब ठीक किया उसको भी लिखना है। कभी कभी परमेश्वर हमारी कमी के लिए दंड भी दिया होगा, उसको जब हम स्मरण करेंगे, और जो है परमेश्वर सारी बातों को ठीक किया है, वो सारी बातों को सोच के आपको लिखना है। आपकी प्रार्थना की, आपके उपवास की कमी के बारे में जो प्रभु ने बताया था, आप प्रचार करना भूल गए थे, उसको भी आप जांच करके लिखेंगे तो, और उसके चमत्कार, उसके भलाई को, सारी बातों को, जब ये सारी बातों को दिल से स्मरण करेंगे तो आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, और आपके अंदर ये विश्वास आएगा नया साल में भी परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा, और आप निर्णय करेंगे गलती को आने वाला साल में मुझे नहीं करना है। ये सारी बातों से परमेश्वर दुखित हुआ है, मुझे नहीं करना है। आने वाला साल में प्रभु मुझे ठीक से रहना करके आप प्रार्थना करेंगे। ऐसे करना है, मैं भी करता हूँ, इसलिए मैं आपको ऐसे कहते हैं, आज थोड़ा समय को प्रभु के लिए निकालिएगा। चर्च में जाने के पहले कम से कम 1 घंटा निकाल के आपकी सारी बातों को लिख के परमेश्वर के लिए और उसके किए हुए भलाई के लिए धन्यवाद देना। नए साल में प्रवेश करने के लिए अपने आप को अर्पण करना है, तब नया साल में प्रभु आशीष को देगा। हे प्रभु, मुझको अपने आप को अर्पण करने के लिए, स्मरण करने के लिए, जांच करने के लिए प्रभु मैं अर्पण करता हूं करके कहेंगे। पिताजी, तेरा प्रिय बेटा है, बेटी है परमेश्वर, इस वचन के लिए अपने आप को अर्पण किए, नया साल के लिए तू मदद करता है। हे प्रभु, नया साल में प्रवेश करने के पहले हम लोग अपने आप को अर्पण करते हैं, तेरे अद्भुत चमत्कार को स्मरण करते हैं, हमारे गलतियों को भी हम स्मरण करते हैं, अपने आप को प्रभु अर्पण करते हैं, हमें पवित्र कीजिए। धन्यवाद के साथ नया साल में हमें प्रवेश करने के लिए, और जो तो आशीष रखा है वो सारी बातों के लिए परमेश्वर कोटि कोटि हम धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।